Welcome student, I wish you will be fine. Online classes में बच्चों का स्वागत है. Last lecture में हमने क्या पढ़ा था? Revision of interstate soap matter और revision of interconversion of state soap matter. The process of conversion of a substance from one state to another state is known as interconversion of states of matter. जैसे कि solid का liquid में change होना, फिर liquid का दोबारा solid में change होना, liquid से gas बनना, gas से liquid बनना, solid से gas बनना और gas से solid बनना. आज का हमारा topic है क्या? Dimensional analysis. Dimensional analysis. तो आज का lecture हम शुरू करते हैं. डाइमेंशनल एनालिसिस को ही यूनिक फैक्टर मेथड बोलते हैं. मेथड इसी को ही फैक्टर लेवल मेथड बोलते हैं. बहुत सिंपल है, काम होता है लाइफ में, फिजिक्स होते केमिस्ट्री हो. The process of conversion of units from one system to another system, one system to other system is called dimensional analysis or unit factor method or factor level method. एक ऐसा process, एक ऐसा method है जिसमें system की एक unit system की दूसरी unit में change होती है. जैसे ग्राम से किलोग्राम बनाना, किलोग्राम से ग्राम बनाना, डिग्री फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में चेंज करना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, लीटर से मिलीलीटर बनाना, मिलीलीटर से लीटर बनाना. एग्जाम्पल, इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी ले सकते हैं. कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फारेनहाइट. 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में चेंज करो. तो आंसर देखो ध्यान से बेटा. तो हम क्या करते हैं बेटा, डिग्री फारेनहाइट बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ये फार्मूला हमें बेटे याद रखना है. तो डिग्री फारेनहाइट इसके बराबर हो जाएगा बेटा 9/5 इंटू 25 प्लस 32. डिग्री फारेनहाइट इसके बराबर हो जाएगा बेटा 5 × 25 = 45 + 32 और डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा 77 डिग्री फारेनहाइट. इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन आ जाए, दे कन्वर्ट 77 डिग्री फारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियस है बेटा इसका आंसर 25 डिग्री सेल्सियस ही आएगा. और देखो बेटा अगले क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, कन्वर्ट 212 डिग्री फारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस. तो आंसर टू बेटा फॉर्मूला वही है अपना. डिग्री
हाँ 94 डिग्री सेल्सियस में जिन डिग्री सेल्सियस को यहाँ ले वही रहेगा टर्म, ये 5/9 हो जाएगा डिग्री फारेनहाइट माइनस बेटा 32, एक ही बात है दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 और डिग्री फारेनहाइट कितना है 212 माइनस 32, तो ये वन ये दिया जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू बेटा 80 और ये आएगा बेटा सॉरी बेटा 212 माइनस 32 बेटा 180 वेरी वेरी सॉरी बेटा 180 बेटा तो ये आ गया बेटा 92 बेटा तो डिग्री सेल्सियस बराबर है बेटा 100 बेटा 212 डिग्री फारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस में 212 डिग्री फारेनहाइट होते हैं। इसी तरह से और देखो बेटा कन्वर्ट 32 डिग्री फारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, कोई बात इक्वेशन ये हो ये हो क्या फर्क पड़ता है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ से डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 और यहाँ कितना आएगा बेटा 32 आएगा ओके बेटा और यहाँ आएगा 5/9 और ये बेटा 0 और डिग्री ये आएगा 0/9 का मतलब 0 होता है 32 डिग्री फारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस। और देखो बेटा कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कैपिटल के का मतलब केल्विन होता है। तो हमारे पास छोटी सी इक्वेशन है बेटा केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 25 तो केल्विन हो जाएगा 298 दिस इज 25। अब ऐसे आ जाए 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो तो ओबीएस आंसर क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा कन्वर्ट 28 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस ओके बेटा आंसर फिट इक्वेशन अपने पास वही है जानी पहचानी बेटा। तो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा केल्विन माइनस 273 और डिग्री सेल्सियस होगा केल्विन कितना है बेटा 28 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा बेटा माइनस 273 प्लस बेटा 28 तो माइनस कितना हो जाएगा 245 दिस इज द आंसर। इसी तरह दिस इज वेरी इजी और ध्यान दो बेटा हम क्या जानते हैं बेटा 1 लीटर है 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है 1 लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है 1 लीटर है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी लिखो या बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो कोई फर्क नहीं है एक बात है। तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाए बेटा कन्वर्ट
4000 milliliter या cubic centimeter into liter या cubic decimeter एक बात है तो answer बेटा milliliter से liter वर 4000 milliliter में कितने liter होंगे इतना तो हमें याद नहीं है बेटा लेकिन हमें पता है 1000 milliliter is equal to 1 liter तो 1 milliliter is equal to 1/1000 liter बेटा और 4000 है तो 4000 लिख देंगे 5 है तो 5 लिख देंगे 6 है तो 6 लिख देंगे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बेटे 4 लीटर आ जाएगा आंसर जितना भी है बेटे यहाँ अब ऐसे लीटर गिवन है मिलीलीटर बना देंगे तो लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर एक बार लीटर में और क्यूबिक डेसीमीटर में कोई फर्क नहीं क्यूबिक डेसीमीटर है क्यूबिक डेसीमीटर इसी तरह से और जान दो बेटा 1 kg है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 kg है वो 1 gram है वो 1000 milligram के बराबर होता है 1 kilogram में 1000 ग्राम और 1 gram में 1000 milligram तो 1 kilogram क्या हो गए 10^6 milligram तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो ग्राम से मिलीग्राम बनाओ मिलीग्राम से ग्राम बनाओ किलोग्राम से मिलीग्राम बनाओ मिलीग्राम से ग्राम बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेरी इजी क्वेश्चन करना चाहिए तो सकते हैं बेटा कि कन्वर्ट 100 मिलीग्राम इनटू किलोग्राम 100 मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करो ओके बेटा तो हम तो बेटा एक बार जानते हैं कि 10^6 मिलीग्राम बराबर है 1 किलोग्राम और 1 मिलीग्राम किसके बराबर होगा बेटा 1/10^6 किलोग्राम और पूछा है 100 मिलीग्राम में तो बता देंगे बेटा 1/10^6 इंटू बेटे 10^2 किलोग्राम और ये हो जाएगा 10^-4 किलोग्राम कोई प्रॉब्लम है नहीं है वेरी इजी बेटे और आपको पता है इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो लगभग कोई क्लास हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइमेंशनल एनालिसिस और देखो बेटा वन एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटे उसमें 760 mm of G होते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 1 atmospheric प्रेशर में बेटा 760 टोर होते हैं ये भी ओल्ड यूनिट है टोर बेटा अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है बेटा कन्वर्ट 100 mm of G into atmospheric pressure बेटा atmospheric pressure तो मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम बेटा नहीं आएगी तो आशा है बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे